मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले हमने एक खबर में आपको बताया था कि कुर्ला के लोगों को टिटवाला में घर देने के नाम पर जो फर्जी बिल्डर है इनामुद्दीन निजामुद्दीन खान, वो लोगों से पैसा तो ले लेता है लेकिन घर नहीं देता। ऐसे ही एक और क्लाइंट हमारे पास आए हुए हैं इनामुद्दीन के। 2014 में इन्होंने घर लिया था, इन्होंने करीब 1,75,000 रुपये अब तक दे चुके हैं लेकिन इन्हें ताबा जो है 9 सालों से जो है मिला नहीं है। 2014 में इन्होंने घर लिया था। सोहेल भाई हमारे साथ है। सोहेल भाई, कहाँ रहते हो और कब आपने घर परचेज किया? मैं जब 2014 में लिया था तब मैं सीवड़ी में रहता था मेरी खाला के साथ में। उस टाइम पे मैंने उनको 1,00,000 रुपया मैंने कैश दिया था जिसका उन्होंने पेपर बनाया था, और उसके बाद 75,000 जो था वो मैंने उनको टुकड़े टुकड़े में, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने उनको 5-6 महीने में क्लियर किया था 2016 तक। 2016 के बाद से फिर बाद में मैंने उनको पेमेंट करना बंद किया क्योंकि उन्होंने फिर घर देता हूँ क्योंकि जो रूम उन्होंने मुझे बताया था कि ये रूम तुमको मैं दूंगा उसके अंदर ऑलरेडी कोई रहता था। अब जब तक वो खाली नहीं था तब तक मैंने उनको सामने वाले को बोला कि ये रूम मुझे इमाम भाई ने मुझे दिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि इमाम भाई हमको जब दूसरा रूम देंगे तो हम खाली करेंगे, तो हम खाली नहीं करेंगे। तो मैंने ये बात इमाम भाई को बोला कि आप मुझे रूम खाली करा के दो, मैं उनको क्यों खाली, मैं क्यों उनको क्यों बोलूँ खाली करने के लिए, आप खाली करोगे, मैंने आपको पैसा दिया, हाँ करवाता हूँ बोल के 2016 के बाद से फिर उन्होंने फिर फोन पे से बात करने लगे। उनका जो ऑफिस विद्या विहार में जो जहाँ ऑफिस है जहाँ मैं पैसे जाके भरता था वो शिव मिश्रा जो है उनके पास में जाके पैसे देता था मैं, तो वो ऑफिस भी उनका बाद में बंद हो गया। फिर फोन पे कॉन्टैक्ट होने लगा और उसके बाद से फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद अभी मैंने उनको जनवरी 28 तारीख को मैंने उनको कॉल किया था, जब मैंने उनको पैसे की बात की तो पहले तो मुझे पहचानने से इनकार किया, बाद में फिर बोले ठीक है आपने 1,75,000 मुझे दे ना और 1,75,000 मुझे दो और घर का ताबोला। बोला मुझे मेरे को पैसा अच्छी, मेरे को रूम नहीं चाहिए क्योंकि रूम की कंडीशन बहुत ख़राब है, वहाँ पे जो बाथरूम का पानी जो मतलब घर में से आ रहा है और फिर किचन के बाद का स्लैब गिर रहा है, मतलब घर की कंडीशन सही नहीं है। तो मैंने उनको उस टाइम भी बोला था, ऐसा नहीं कि अभी पैसा दो, बोला मैं 2016 से बोला क्योंकि मेरे को वो जगह नहीं, मेरे को रूम नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस दो। तो बोले मैं रूम बेच के आपको पैसा रिटर्न दूंगा, लेकिन ना तो उन्होंने रूम बेचा, पहली बार तो रूम है नहीं तो बेचेंगे क्या, और ना तो मेरे को पैसा दिया। और 2016 के बाद से तो कॉन्टैक्ट बंद था। अभी मैंने बात किया तो अभी भी मेरे को बोला था मैं 15 फरवरी को टिटवाला में आऊँगा, मेरे से मिलो और मैं आपसे बात करूँगा बोल के। तो आए नहीं, मैं 14 तारीख को उनको फ़ोन किया 14 फरवरी को, तो भी उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। 15 फरवरी को शाम में फ़ोन रिसीव किया, बोले मैं 2 दिन मेरा डिले हो गया आने के लिए, मैं संडे को आऊँगा। अब वो संडे से मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ फरवरी से, तो अभी तक मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये जो इनामुद्दीन खान है, आपने काफ़ी बार जो है प्रयास तो किया पैसा लेने की या घर लेने की, तो मना किए, तो इसको लेकर कहीं आपने शिकायत वगैरह दर्ज कराई है क्या? अभी तो कोई शिकायत दर्ज नहीं, मैं आस पे था कि वो आदमी दे देगा पैसा, आज नहीं कल दे देगा। लेकिन जब मैंने अभी उनको 28 जनवरी से मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे साथ में रूडली बात की। मैंने उनको बोला कि मेरा पैसा देना वरना मैं आपके हलाक से हाथ डाल के निकालूंगा, तो वो मेरे को बोलते पैसा निकाल के दिखा, तो कैसा मेरे से निकाल सकता है, मतलब थोड़ी गाली गलौज हो गई थी। तो अभी पूरा कंफर्म मेरे को हुआ कि वो मेरे को पैसा देने वाला नहीं है, तो फिर इसके लिए मैंने अभी आपके पास आया। अच्छा, जैसे और भी लोग हैं, जैसे आप आए हो, और भी लोग हैं, उनसे क्या अपील रहेगी, क्या कहना? उनसे भी ये अपील है कि आप लोग भी आए सामने खुलकर आए और अपनी बात रखे, कि जिस तरीके से उन्होंने जो आपको पैसा लिया है आप इस आस पे बैठे हैं कि वो आज निकल आपको देगा, लेकिन वो पैसा मिलने वाला है नहीं, तो इसके लिए आप आके एक्शन ले कुछ करें, आप केस पुलिस स्टेशन में केस करें या जो भी आप जैसा हो सकते हैं उनके उसके ऊपर उसके अगेंस्ट कुछ करें। और भी वरिष्ठ अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या अपील रहेगा, इस पर मामला दर्ज करें या पैसा मिले? उनसे भी यही अपील है कि मतलब वो हमारी हेल्प करे, हम लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा जमा करके हम लोगों ने वो पैसा उसको दिया हुआ है, रूम तो मिला नहीं, और अगर वो आज वो दे भी देगा तो वो कोई रूम हमारे मतलब का रहेगा नहीं, वो रूम चाहिए भी नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी आला अधिकारी उनसे कि आप इसमें थोड़ा सा दखलंदाजी की और ऐसे लोगों को जो फ्रॉड है उनको आप जो भी जैसी सख्त से सख्त कड़ी सजा दिला सकते दिला के जो हमारा पैसा है वो हमको वापस दिलवाए। आप थोड़ा एग्रीमेंट बताओगे कि उसने क्या एग्रीमेंट दिया था? आपको बता दें ये बिल्डर का जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा विवाद है, क्योंकि वो इसी तरीके का जो है एक नोटरी और एक एग्रीमेंट दे देता है ये कह करके कि आपको घर जो है मिल गया है, लेकिन 2014 से ये पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अभी तक इन्हें घर जो है ताबे पे नहीं दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है इनामुद्दीन निज़ामुद्दीन खान, और रहने का जो एड्रेस है वो उसने साकीनाका का डाला हुआ है, लेकिन कहाँ है, कहाँ वो रहता है, कहाँ है ऑफ़िस, अभी तक कोई भी क्लाइंट को मालूम नहीं है। स्पष्ट हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका ऑफ़िस या वो रहता कहाँ है। अगर हम बात करें जहाँ पे उसने रूम दिया हुआ है टिटवाला के बनेली में, तो वहाँ पर रोड के लिए जो है पूरा सर्वे हो चुका है और वहाँ से रोड भी गुजरेगा। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी जो है वहाँ के लोगों को हो सकती है जिन्होंने इमामुद्दीन से घर खरीदा था वहाँ पे, लेकिन हम तमाम प्रयास करेंगे कि कानूनी कार्रवाई और प्रक्रिया जो है शुरू है उस पर किस तरीके से मामला दर्ज किया जाता है, और ऐसे जो भी गरीबों से उसने पैसा लिया है क्या वो पैसा देता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, कुर्ला।